गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया मेरा नाम है गाइस बिटकॉइन so में हमें सिग्निफिकेंट प्राइस रिजेक्शन देखने को मिला है टॉप रिजिस्टेंस से एंड साथ ही साथ हमें कंप्लीट कॉइन के मार्केट भी उसका फॉलोअप देखने को मिला है जहां पर हमें ऑलमोस्ट सभी ऑल्ट कॉइन्स में हेल्थी करेक्शन देखने को मिल रही है एंड स्टिल बेटकल सपोर्ट लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है सो so गाइज आज की जो हमारी एनालिसिस है वो काफी ज्यादा क्रूशल होने वाली है सिंस कंप्लीट क्रिप्टो मार्केट डिसीजन पॉइंट पे आ गई है जिसको एनालाइज करना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है सो so, बिना टाइम लेते हुए जल्दी से अपनी बिटकॉइन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं एंड गाइस इससे पहले मैं ये एनालिसिस स्टार्ट करूं एक छोटी सी रिक्वेस्ट क्विक अपडेट है आप सबसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन बॉक्स दिखेगा उसको क्लिक कर लीजिए एंड उसके साथ आपको ये बेल आइकन दिखेगी इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड इस ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस एंड सारे अपडेट्स जो हैं

जो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऑफिशियल लिंक है आप उसी पर क्लिक कीजिए इफ आपको ऑफिशियल ग्रुप ज्वाइन करना है एंड गायस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजिएगा वॉट आर यू थॉट अबाउट बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस आर यू शॉर्टिंग बिटकॉइन आर यू लॉन्गिंग बिटकॉइन आप बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं आप कौन से ऑयलकॉइन so, के ऊपर एनालिसिस सुनना चाहते हैं सो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं अपने फेवरेट ऑयलकॉइन के ऊपर एनालिसिस को अगर आप सुनना चाहते हैं या बिटकॉइन में कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशंस के बारे में समझना चाहते हैं सो so, गाइस इस छोटे से क्विक अपडेट के बाद जल्दी से अपनी बिटकॉइन एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं ओके okay गाइस हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे ओपन इंटरेस्ट के साथ जहां पर बेट मेक्स पे आज ओपन इंटरेस्ट जो है गाइस हम ऑलमोस्ट 700 मिलियन डॉलर्स के अराउंड देख सकते हैं एंड गाइस अगर आपने मेरी कल की एनालिसिस को फॉलो अप किया था सो so आपको पता था जो ओपन इंटरेस्ट था बेटमेस पे वो ऑलमोस्ट एट मिलियन डॉलर के अराउंड था सो so ऑलमोस्ट हमें हंड्रेड मिलियन डॉलर के यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो क्लोज होते हुए दिखे हैं दैट श्योर्स दैट मार्केट में काफी ज्यादा जो लॉन्ग पोजिशन है वो लिक्विडेट हुई है एंड ओपन इंटरेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली लोअर हुआ है 800 मिलियन डॉलर से एंड अगर मैं बाइनेंस फ्यूचर की बात करूं सो गाइस बाइनेंस फ्यूचर पे भी हम नोटिस कर सकते हैं दैट जो ओपन इंटरेस्ट है वो ऑलमोस्ट 39000 नाइन थाउजेंड है ऑलमोस्ट इस टाइम पे करंटली 37000 सेवन के अराउंड आ चुका है सो so हम देख सकते हैं दैट काफी ज्यादा पोजीशंस जो हैं वो मार्केट में लिक्विडेट हुई हैं एंड काफी ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मार्केट में लॉस में क्लोज हुए हैं सो दिस शोस दैट मार्केट में हमें काफी अच्छा सिग्निफिकेंट

आती है जैसे हमें लास्ट ईयर 14000 हाई पे देखने को मिला था मार्केट में हमें सिग्निफिकेंट रिजेक्शन देखने को मिलते हैं काफी बड़े प्राइस रिजेक्शन भी देखने को मिलते हैं एंड यहां पर हम वो सेम चीज नोटिस कर सकते हैं दैट क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ग्रीडी जोन के अंदर आ गई है एंड दैट इज द ओनली रीजन दैट जो ग्रीड है वो स्लाइटली लेस हुई है कल की एनालिसिस से अगर मैं इसे 24 आवर रियल वॉल्यूम की बात करूं टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर गाइस दैट इज स्टिल एट अ वेरी वेरी हेल्थी यू नो लेवल दैट इज अराउंड मोर देन थ्री बिलियन डॉलर सो दिस शोज दैट 24 आवर रियल वॉल्यूम जो है जो टॉप 10 एक्सचेंजेस में ट्रेड हो रही है दैट इज मोर देन 3 बिलियन डॉलर्स गाइस जो कि शो करता है दैट मार्केट में काफी ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो अभी भी अवेलेबल है एंड काफी बड़े सॉलिड मूव जो है वो हमें मार्केट में जल्दी देखने को मिल सकते हैं सिंस ओपन इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा लो हुआ है एंड वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली हाई है मार्केट में सो दिस शोर दैट मार्केट में काफी अच्छे करेक्शन हमें ऑलरेडी देखने को जरूर मिल गया है बट बिटकॉइन जो है काफी ज्यादा डिसीजन पॉइंट के करीब भी आ चुका है अगर मैं इस ट्वेंटी फोर अवर्स लॉन्ग एंड शॉर्ट रेश की बात करूं गाइस आप so देख सकते हैं ट्वेंटी फोर आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेसेस में सभी एक्सचेंजेस में हमें सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है जहां पर बायस बेटमेक्स बायफ एक्स फ्यूचर सभी में हमें शॉर्ट पोजिशन ज्यादा ओपन होती हुई दिख रही है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजिशन एंड यहां पर हमें जो डिफरेंस है वो काफी बड़ा देखने को मिल रहा है जहां पर बाइनेंस में ऑलमोस्ट फिफ्टी थ्री परसेंट बेटमेक्स पे फिफ्टी टू परसेंट बेट पे फिफ्टी फोर परसेंट बेट फिनेक्स पे सिक्सटी परसेंट

वो सभी यहां पर हमें लिक्विडेट होती हुई दिखी है एंड दैट शोज दैट जितनी भी ग्रीडी जोन थी मार्केट के अंदर जितने भी लोग काफी ज्यादा बुलिश हो रहे थे प्राइस एनालिसिस को लेकर काफी ज्यादा पोजिशन जो है वो यहाँ पर लिक्विडेट हुई है सो बेटक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है that काफी ज्यादा क्रिटिकल लेवल्स पे आ चुका है गाइज सो इन सब मेट्रिक्स को यहाँ पर कंसिडर करते हुए हम जल्दी से अपनी बेटकइन एनालिसिस की तरफ चलते हैं एंड गाइज आज हम अपनी बेटक एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट के साथ जिसको हम ऑलमोस्ट पास वन वीक से फॉलोअप लेते हुए आ रहे हैं एंड गाइज हम यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं दैट बिटकॉइन डोमिनेंस में

जैसे अब मैं आपको पास वन वीक की एनालिसिस से बताता हुआ आ रहा हूं दैट तो ये जो 60 परसेंट का लेवल है बिटकॉइन डोमिनेंस के लिए ये काफी ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट है इफ बिटकॉइन डोमिनेंस वीकली कैंडल जो है वो 60 परसेंट से नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है हमें ऑल्ट क्वाइंस के अंदर मैसिव गेन्स देखने को मिलेंगे गायस एंड अगर मैं ऐसे टोटल टू मार्केट कैप की बात करूं जो कि कंप्लीट ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप है एक्सक्लूडिंग बेटकॉइन सो यहां पर भी हमें काफी अच्छा रिजेक्शन जो है वो हमें देखने को मिला है यहाँ पर टोटल टू का जो मार्केट कैप है वो अप्रोक्सिमेटली हंड्रेड बिलियन डॉलर से अप्रॉक्सिमेटली हंड्रेड बिलियन डॉलर राउंड आ चुका है

पहले यही पॉइंट इथेरियम के लिए काफी बड़ा आप बोलते हैं रेजिस्टेंस था जो इस टाइम पे सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है सो so, इथेरियम के लिए ये जो 400 डॉलर्स का सपोर्ट पॉइंट है ये काफी ज्यादा क्रुशल गेट कीपर पॉइंट बन जाता है जहां पर इफ इथेरियम डेली कैनल जो है वो फोर डॉलर से नीचे क्लोज करना स्टार्ट करते हैं गाइज वी विल सी अच मच हेल्थी करेक्शन इन दी इथेरियम प्राइस एनालिसिस जहां पर इथेरियम का नेक्स्ट टारगेट अप्रॉक्सिमेटली हमें थ्री हंड्रेड एंड सिक्स डॉलर पर देखने को मिलेगा एंड एट द सेम टाइम गाइज अगर मैं टॉप साइड लेवल की बात करूँ सो so इसके बारे में मैंने आपको अपनी कल की एनालिसिस में बताया था मोमेंट इथेरियम कोई भी फोर आवर कैंडल या इवन कोई भी टू आवर कैंडल जो है वो फोर हंड्रेड एंड फोर्टी डॉलर से ऊपर क्लोज करता है जो नेक्स्ट प्राइस टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो अप्रॉक्सिमेटली फोर हंड्रेड एंड डॉलर से लेके फोर हंड्रेड एंड एटी फाइव फोर हंड्रेड एंड एटी डॉलर के अराउंड को मिलेगा सिंस ये इथेरियम की प्राइस एनालिसिस के अंदर काफी बड़ा मैसिव रिजेक्शन पॉइंट आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट भी आप बोल सकते हैं जहां पर बड़े प्लेयर्स आप बोल सकते हैं बिग प्लेयर्स इथेरियम को शॉर्ट करना पसंद करते हैं सो so, हम यहां पर देख सकते हैं हमें काफी अच्छी हेल्थी प्राइस एनालिसिस में देखने को जरूर मिल रही है बट स्टिल गाइज आई एम सींग दिस थिंग अगेन एंड अगेन देर इज नथिंग टू गेट बेरिश एट ऑल इन इंडीरियम प्राइस एनालिसिस इथेरियम डेली कैंडल्स जो है वो 400 डॉलर से नीचे क्लोज स्टार्ट करना नहीं करता है अगर मैं ऐसे मोमेंटम ऑसिलेटर्स की बात करूं, तो आप नोटिस कर सकते है guys हमें काफी को करते हुए आ रहे हैं जरूर देखने को मिलेगा एंड ये जो लेवल है वो हैं फोरउंड काफी यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है अगर मैं आर की बात करूं तो आर ए डेफिनेटली बेरिश कंट्रोल जोन को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे है पर अभी भी हम बुलिश कंट्रोल जोन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं बट स्टिल इट इज टू अर्ली टू से राइट नाउ आर एस

ये काफी बड़ा रेजिस्टेंस पॉइंट था एथेरियम के प्राइस एनालिसिस के अंदर एंड इस टाइम पे करंटली काफी अच्छा सपोर्ट पॉइंट की तरफ वर्कआउट कर रहा है एंड वीपीवीआर का सबसे हाईएस्ट स्पाइक हाईएस्ट स्पाइक भी 400 के लेवल पे आ रहा है स्टिल so हमें इथेरियम के प्राइस लेवल जो है वो काफी हद तक क्लियर है एंड इथेरियम स्टिल क्रिटिकल लेवल्स को काफी अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है एंड एज वी क्रिएटेड दिस चार्टलमोस्ट लाइक टू वीक्सो सॉरी जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट टू वीक्स पहले ही क्रिएट कर दिया था एंड गाइज हम नोटिस कर सकते हैं दैट ये जो चार्ट है काफी ब्यूटीफुल तरीके से परफॉर्म कर रहा है लिंक के प्राइस एनालिसिस के अंदर नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू साउंड एनीथिंग लाइक एज एन एरोगेंट पर्सन दैट मैंने आपको यह कहा था या मैंने आपको वो कहा था डेफिनेटली एम नॉट ट्राइंग टू से दैट

चेन लिंक के अंदर कोई भी फोर कैंडल और टू बी मोर सिक्योर कोई भी डेली कैंडल अगेन रीट एस ट्वेंटी डॉलर आईकेशन हमें जरूर देखने को मिलेगा एंड आफ्टर लुकिंग फॉर अच मोर बेगर प्राइस इन दिन चेन लिंग प्राइस एनालिस एंड गाइज आई एम सींग अगेन एंड अगेन टिल द टाइम चेन लिंग कोई भी डेली कैंडल गाइस आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक यहां पर मैं टू आवर कैंडल या फोर आवर कैंडल की बात नहीं कर रहा हूं

लुकिंग वेरी गुड एंड वेरी हेल्थी एंड अगर हम मोमेंटम ऑसिलेटर्स में देखें गाइज आप देख सकते कैसे ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुके हैं

डेली प्राइस एनालिसिस की बात करूंगा इस डेली प्राइस एनालिसिस में इसको काफी अच्छे तरीके से देख सकते हैं दैट ये जो पॉइंट है काफी बड़ा पिवट पॉइंट है

So this is your again lower high. आप so, देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ऑलरेडी काफी ज्यादा बोलिश टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड दर इज नथिंग टू गेट बेरिश एट ऑल इन द बिटकॉइन प्राइस एनालिसिस जब तक बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल्स का इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के लेवल से क्लोज नीचे कर, स्टार्ट करना नहीं करता है बिकॉज ऑफ टाइम ये कम्प्लीट सिमेट्रिकल ट्राइंगल का जो पैटर्न है ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा एंड वी विल कंसिडर दिस पॉइंट एज अ फेक आउट बिकॉज हम यहाँ पर देख सकते हैं जो फॉलोअप है वो हमें आपसाइड पर देखने को नहीं मिला है एंड इफ बिटकॉइन डेली कैंडल जो है वो इलेवन से नीचे क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं

सो आई एम वेरी श्योर दैट बिटकॉइन यहाँ पर काफी टाइम तक ट्रेड करने वाला है इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से लेकर ट्वेल्व थाउजें के लेवल में बिटकॉइन इस एरिया के अंदर काफी हद तक अभी कंसोलिडेट करने वाला है ऑल्डो हमें मैगडी में बेरेज डाइवर्जेंस जो है वो दोनों ही मूविंग दे, एवरेज में, में देखने को मिल चुकी है सॉरी डाइवर्जेंस नहीं डेथ क्रॉस जो है वो दोनों ही मूविंग एवरेज में देखने को मिल चुका है एंड काफी अच्छी डाइवर्जेंस जो है हमें दोनों मूविंग एवरेज में देखने को मिल चुकी है सो दिस इज लुकिंग लिटल बिट वीक राइट नाउ एंड अगर मैं आर की बात करूं सो so आएसआई में भी हम देख सकते हैं दैट स्टिल हम लोग न्यूट्रल जोन के अंदर है सो दर इज नथिंग गेटिंग

अगर मैं ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लोज करूं एंड मूविंग एवरेज इसको ऑन करूं सो गाइस अ मूविंग एवरेज में भी ये चीज काफी अच्छे तरीके से नोटिस कर सकते हैं दैट जो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो आप ये येलो लाइन देख सकते हैं वो एप्रोक्सीमेटली 11500 के लेवल पे आ रही है स्लोली एंड स्टेडली इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड के लेवल पे हमें देखने को मिलेगी सो दिस काफी ज्यादा बड़ा पॉइंट जो है वो इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बन जाता है ओनली एंड ओनली इफ बेटक लोअर प्राइस एक्शन इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से नीचे क्लोज करना स्टार्ट करता है एंड अगर मैं इवन सीएमई फ्यूचर्स की बात करूं सो सीएमई फ्यूचर्स पे भी हम गाइस ये नोटिस कर सकते हैं दैट हम लोग काफी सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर है नथिंग टू गेट बेरिश एट ऑल हम लोग स्टिल बुलिश फॉर्मेशन के अंदर है लोअर हाईस की फॉर्मेशन

नथिंग टू गेट बे रिश एट ऑल टाइम बिटवी डेली कैंडल्स जो है यह कोई भी फोर आवर कैंडल जो है वो इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड से क्लोज टू नीचे नहीं करता है जो सीएमई फ्यूचर्स के ऊपर अप्रॉक्सिमेटली इलेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है सॉरी इलेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड है एंड स्पॉट मार्केट के ऊपर इलेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है बिकॉज वी नो दैट सी फ्यूचर्स जो है